मैं सबसे पहले कानपुर आईआईटी को धन्यवाद देता हूं। शायद हमारे देश में प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा एक वीडियो में देखा, सिंगापुर की स्टैंडर्ड पे आई थी, ये सुनकर एक आर्किटेक्चर है। उस देश की स्किलिंग को बढ़ाने के लिए कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उनकी वर्कफोर्स की कैपेसिटी को एक्सीलेंसी की ओर ले जाना है, उसमें कोई डिस्प्यूटेड मत नहीं है। एक्सीलेंसी तब आ पाएगा अगर आवश्यकता क्या है उस सेक्टर की, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोग रिसर्च करेंगे, फ्यूचर प्लान करेंगे, बाकी उसको अफेक्ट करने वाले दुनिया का एनालिसिस करेंगे, तब दे कैन ओनली मैप व्हाट इज द फ्यूचर नीड ऑफ द स्किल इन दैट सेक्टर। फ्रॉम आइडिएशन टू क्रिएट ए कोर्स करिकुलम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा हमारे देश में डीजीटी जो जिसकी जो दूसरे धन्यवाद की पात्र है, हमारी एनएसटीआई कानपुर जो डीजीटी के अंदर काम करता था, जब प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कानपुर में डीजीटी की फ्रेमवर्क में हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बनाना, 60s में हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनी थी, बाद में आरईसी कन्वर्ट हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे एनआईटी बने। हमारे देश में आईटीआई एक पुरानी ब्रांड है, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये सब आईटीआई हो, आईटीआई हो, एनआईटी हो, ये सब एस्टेब्लिश क्रेडिबल एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की कल्पना किया। आईटीआई तो था ही, एक साल और दो साल कोर्स करने के लिए, बीच में हमारे देश में एनएसडीसी की कल्पना की गई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर सेक्टर स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काउंसिल, इस प्रकार की एक और एक दुनिया बनाई गई। ये शॉर्ट टर्म के दायित्व में रहे डीजीपी, लॉन्ग टर्म के दायित्व में रहा, लॉन्ग टर्म स्किल सेक्टर में यानी एक साल और दो साल, बाकी एजुकेशन हायर एजुकेशन वर्टिकल में गया, डिप्लोमा एआईसीटी देखा, डिप्लोमा कुछ यूनिवर्सिटी भी दायित्व लिए। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया, उसके पहले काम शुरू हो गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की कल्पना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जब कानपुर में लगभग 60 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारी बनी, एक चुनौती था उसको चलाएंगे कैसे, क्या ये एनएसटीआई का एक अपग्रेडेशन हो जाएगा या एक आईटीआई बनेगा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो कल्पना रहे लेकिन करेगा कौन, इसलिए मैं आईआईटी कानपुर को धन्यवाद देता हूं। अभी अतुल जी कह रहे थे कि आप शिक्षा विभाग में हो इसलिए कानपुर वाले मान लिए। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।